हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे। देखिए आज लड्डू गोपाल जी के लिए हम इस प्यारी सी ड्रेस को बनाना सीखेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको बनाना बताया है। इसको बनाना इतना आसान है कि बिगनर भी इसको बना सकते हैं। जिसने अभी अभी क्रोशिया चलाना सीखा है वो भी इस ड्रेस को आसानी से बना सकती है। और फ्रेंड्स, देखने में भी काफ़ी सुंदर लगती है। ड्रेस बनाना शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड, ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ड्रेस बनाने के लिए चोली मैंने बना ली है और चोली हमारी ये 4 नंबर लड्डू गोपाल जी की है। आप इस ड्रेस को सभी साइजों में बना सकते हो। जिस भी साइज़ की आपको ड्रेस बनानी है उस साइज़ की आप पहले चोली बना लीजिए। चोली मैंने अपने चैनल पर सभी साइज में अपलोड कर रखी है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ से इसको शुरू करना है। घेरा बनाने के लिए देखिए हमें यहाँ पे 1 2 3 3 चैन लेनी है और देखिए इसी चैन में से हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। फिर नेक्स्ट में से फर्स्ट रो में, फ्रेंड्स मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि फर्स्ट घेरे का जो हमारा फर्स्ट रो होता है उसको हमें सभी चैन में से डबल क्रोशिया बनाना होता है 2 बार। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट रो हमने कंप्लीट कर लिया है। सभी चैन में से 2-2 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया है। अब देखिए इसको हमें यहाँ से जॉइंट कर लेना है इस तरीके से, स्लिप स्टिच से। अब देखिए सेकेंड रो बनाएंगे, 1 2 3 3 चैन बना ली हमने और देखिए यहाँ से हमें लेना है डबल क्रोशिया के सेंटर में से ऐसे। देखिए हमने यहाँ पे एक हमारी 3 की चैन है, एक हमारा डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे 2 डबल क्रोशिया काउंट होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक चैन बनाएंगे। चैन बनाने के बाद देखिए फिर हमें यहाँ पर देखिए इस डबल क्रोशिया के सेंटर को स्किप करना है, इसे नेक्स्ट में से लेना है। देखिए इसको इसमें से नहीं लेंगे हम, इसे नेक्स्ट में से लेंगे ऐसे 1 और देखिए 2 ऐसे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम यहाँ पे एक चैन लेंगे, फिर हमें देखिए इसको स्किप करना है, इसे नेक्स्ट में से लेना है ऐसे 1 2 देखिए इस तरीके से। फिर हमें एक चैन बनानी है, फिर देखिए फिर इसको स्किप करेंगे, इसे नेक्स्ट में से लेंगे हमने। फ्रेंड्स देखिए हमें चैन में से नहीं लेना है, डबल क्रोशिया के सेंटर में से लेना है। फिर एक बार और लेंगे हम और देखिए एक चैन बनाएंगे, इसको स्किप करेंगे, इसे नेक्स्ट में से लेंगे 1 और देखिए 2। फिर हम एक चैन लेंगे। देखिए इसी तरीके से बनाते हुए हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना इसको बना लिया है और मैंने यहाँ पर एक चैन भी ले ली है। अब देखिए यहाँ पर हमारा 2 ही डबल क्रोशिया बचते हैं, तो देखिए हमें यहाँ पे इसको इसमें से निकालना है 1 और देखिए 2। फिर हम एक चैन बनाएंगे और देखिए यहाँ से 1 2 और 3 थर्ड चैन में से ऐसे स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरीके से ऐसे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम फिर से 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाएंगे और देखिए इसमें से हमें हमने यहाँ पे 2 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, अब हम 3 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारी यहाँ पे 3 की चैन है, अब देखिए इसमें से हमें 1 2 1 2 और 3 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब देखिए एक चैन लिया हमने, फिर हमें इन दोनों को स्किप करना है और देखिए यहाँ से लेना है जहाँ से हमने 1 1 चैन ली है, इसमें से हम बनाएंगे ऐसे 1 2 3। फिर हम एक चैन लेंगे, फिर देखिए नेक्स्ट होल में से बनाएंगे यहाँ से 1 2 3। फिर हम एक चैन लेंगे, देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से बनाएंगे, इसमें से 1 2 3। फिर एक चैन लेंगे, फिर देखिए नेक्स्ट में से बनाएंगे 1 2 3। फिर हम एक चैन लेंगे, देखिए इसी तरीके से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स,
सेकंड रो भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और देखिए चैन हमने सेंटर में बना ली है। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 थर्ड चैन में से हमें इसको ऐसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेना है ऐसे। अब देखिए अब हमें फिर से 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनानी है। 3 चैन बना के हमें हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक एक डबल क्रोशिया हमारा यहाँ पे बढ़ता जाएगा ऐसे 1 2 3 और देखिए 4। फिर हम सेंटर में एक चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 1 2 3 4। फिर एक चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट होल में से बनाएंगे ऐसे 1 2 3 4 एक चैन बनाई। देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके से हमारे ये यहाँ पे हमारे 2 थे, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 5 और 6 ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए इतना कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स इतना हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। हमने यहाँ पे ये 6 तक कंप्लीट किया है। 6 डबल क्रोशिया है हमारे यहाँ पे लास्ट में। यहाँ पे 5 4 3 और 2 तरीके से हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 रो कंप्लीट हो गए। अब देखिए लास्ट में आ गए हम। लास्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक चैन बना ली है। इस चैन को हमें देखिए यहाँ से इस तरीके से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेना है। ऐसे हम जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे ये 6 डबल क्रोशिया है। हम यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाएंगे और देखिए 3 इधर और 3 इधर स्किप करेंगे। इनके सेंटर में से हमें यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। देखिए ऐसे अब देखिए अब हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और देखिए 7 चैन बनानी है। और देखिए फिर हमें इसको इसी में से निकालना है ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम यहाँ पे 1 2 3 चैन देखिए 3 चैन बनाने के बाद हमें इसको यहाँ से ऐसे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हम 3 चैन बनाएंगे 1 2 3 फिर देखिए फिर हमें इन डबल क्रोशिया के सेंटर में से 3 इधर स्किप करेंगे और 3 इधर यहाँ से बीच में से लेना है ऐसे इस तरीके से। फिर हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और देखिए 7 ऐसे 7 चैन बनाएंगे। और फिर देखिए इसी चैन में से यहाँ से हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरीके से बनाते हुए जाएंगे। देखिए अब देखिए फिर से 3 चैन बनाएंगे 1 2 3 फिर देखिए यहाँ से हमें इसको इस तरीके से जॉइंट कर लेना। देखिए फिर 3 चैन बनाएंगे 1 2 3 और देखिए यहाँ से फिर से हमें सेंटर में से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हम 1 2 3 4 5 6 7 चैन बनाएंगे और देखिए इसी में से वापस सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए देखिए फ्रेंड्स ऐसे बनाते हुए पूरे राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है पूरी रो को। अब देखिए हम यहाँ पे लास्ट में आ गए। लास्ट में हमें देखिए क्या करना है। देखिए यहाँ पे मैंने 3 चैन बनाई है और इसको हमें यहाँ से ऐसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेना है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, अब हमें देखिए इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे 1 2 3 4 और देखिए 5 ऐसे 5 बार हमने डबल क्रोशिया बना लिया है सोलह में से। अब देखिए 1 2 3 3 चैन बनाएंगे और देखिए यहाँ से हमें फर्स्ट डबल क्रोशिया में से लेना है ऐसे चैन में से इस तरीके से। फिर देखिए फिर हमें इधर से भी 5 डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे 1
टू थ्री फोर, और देखिए ऐसे फाइव, और देखिए यहाँ से हमें बीच में से इस चैन में से हमें इसको ऐसे जॉइंट कर लेना है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए फिर हम यहाँ पे इस नेक्स्ट में से बनाएंगे फाइव डबल क्रोशिया एक तरफ से, वन ऐसे, टू थ्री फोर, और देखिए फ्रेंड्स फाइव, फिर हम वन टू थ्री ऐसे थ्री चैन बनाएंगे, और देखिए यहाँ से इस चैन में से इसको जॉइंट कर लेंगे। फिर हम इधर से भी फाइव डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, वन टू थ्री फोर, और देखिए फाइव ऐसे। फिर से हमें इसको यहाँ से जॉइंट कर लेना है दोनों के सेंटर में से ऐसे। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से बनाते हुए हमें यहाँ पे पूरे राउंड में इसको कंप्लीट कर लेना है, सभी होल में से हमें इनको बनाना है लीफ को। तो देखिए कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लीफ बना ली है इस तरीके से, और हम देखिए लास्ट में आ गए। लास्ट में हमें इसको कैसे जॉइंट करना है, देखिए ये लास्ट की लीफ है हमारी, और इसको हमें देखिए यहाँ से जहाँ से हमने इसको शुरू किया था वहीं से हम इसको ऐसे जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से ऐसे। फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पे ग्रीन कलर जॉइंट करना है, यहीं से हम इसको देखिए मैंने धागे में नोट लगा ली है। देखिए ऐसे यहाँ से हम इसको जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए एक चैन बनाएंगे, और देखिए यहाँ से एक सिंगल क्रोशिया को ऐसे इस तरीके से लेंगे, फिर हम एक चैन बनाएंगे, और देखिए इस डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे, इस यहाँ से लेंगे देखिए ऐसे, फिर एक चैन बनाएंगे, और देखिए इसे नेक्स्ट में से लेना है, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर देखिए यहाँ से लेंगे, देखिए इस तरीके से सभी डबल क्रोशिया के सेंटर में से लेंगे हम। अब देखिए वन टू टू चैन बनाएंगे, और देखिए यहाँ से इसके सेंटर में से लेंगे, देखिए ऐसे, फिर वन टू टू चैन बनाएंगे, फिर हमें इसी में से लेना है ऐसे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर देखिए यहाँ से लेंगे हम इस तरीके से, फिर देखिए एक चैन बनाएंगे, फिर इसमें से लेंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर चैन बनाया, फिर ऐसे, फिर एक चैन बनाई, फिर इसे नेक्स्ट में से लेंगे, देखिए इस तरीके से। अब देखिए फिर से हमें एक चैन बनानी है, और फिर देखिए यहाँ से इसमें से ऐसे लेंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में से सभी डबल क्रोशिया के सेंटर में से लेना है फ्रेंड्स, एक चैन बनाना है बीच में, फिर देखिए ऐसे, फिर एक चैन बनाई, फिर नेक्स्ट में से फिर एक चैन बनाई, फिर देखिए इस डबल क्रोशिया के सेंटर में से ऐसे, फिर हमें वन टू टू चैन बनानी है, और देखिए यहाँ से इसके सेंटर में से लेना है, फिर वन टू टू चैन बनाएंगे, फिर से हमें इसी में से लेना है ऐसे, फिर देखिए एक चैन बनाएंगे, फिर हमें इसको यहाँ से लेना है इसमें से, फिर एक चैन बनाई, फिर इसमें से, फिर चैन बनाई, फिर नेक्स्ट में से, फिर एक चैन बनाई, फिर नेक्स्ट में से, हमें यहाँ पे चैन में से नहीं लेना है डबल क्रोशिया के
सेंटर में से लेना है। देखिए हमें यहाँ पे एक चैन बनानी है ऐसे, फिर नेक्स्ट में से देखिए इस तरीके से बनाते हुए हमें यहाँ पे पूरे राउंड में इसको कंप्लीट कर लेना है। एक एक डबल क्रोशिया के सेंटर, सभी डबल क्रोशिया के सेंटर में से हमें इसको बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स हम इसको कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने सभी लीफ में आउटलाइन बना दी है इस तरीके से। अब देखिए हम लास्ट में आ गए। लास्ट में हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम एक चैन बनाएंगे। सभी के सेंटर में हमने एक एक चैन ली है और यहाँ पे हमने टू टू चैन ली थी जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसको हमें यहीं से जॉइंट करना है जहाँ से हमने इसको शुरू किया था ऐसे, इस तरीके से धागे को हम यहीं पे कट कर देंगे ऐसे, और इस कलर के धागे को भी हम यहीं से कट कर देंगे। दोनों धागों की हम यहाँ पे नोट लगा देंगे और धागे को क्रोशिया की हेल्प से अंदर की तरफ ही एडजस्ट करेंगे इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा घेरा बन के तैयार हो गया हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी का। अब देखिए अब हम चोली पर आउटलाइन बनाएंगे। चोली पर आउटलाइन बनाने के लिए हम इस कलर की ऊन लेंगे और आउटलाइन भी हमें चोली पर भी इसी तरीके से बनानी है जैसे हमने लीफ पे बनाई है। देखिए यहाँ से हमें क्रोशिया हुक को डालना है। मैंने धागे में नोट लगा ली है इस तरीके से, हमें इसको इस तरीके से अंदर की तरफ लेना है ऐसे। एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार और हम इसमें डालेंगे, ये हमारा ऐसे पक्की नोट आ जाती है देखिए इस तरीके से। फिर हम यहाँ पे एक चैन बनाएंगे, फिर देखिए नेक्स्ट में डालेंगे ऐसे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर इसमें से डालेंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर देखिए यहाँ से डालेंगे इसमें से, फिर देखिए फिर एक चैन बनाएंगे, फिर इसमें से डालेंगे इस तरीके से, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर देखिए यहाँ से फिर एक चैन बनाना है, फिर नेक्स्ट में से फिर चैन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में से फिर चैन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में से। अब देखिए अब हमें यहाँ पे धागा लेना है और देखिए यहाँ से डबल क्रोशिया के सेंटर में से नेक पे बनाएंगे हमें ऐसे हाफ हाफ क्रोशिया देखिए। फिर हमें एक चैन लेनी है, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे ऐसे हाफ क्रोशिया बनाना है, फिर एक चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट में से बनाएंगे इस तरीके से ऐसे, फिर एक चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट में से हाफ क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट में से सभी डबल क्रोशिया में से इस तरीके से ही बनाना है हमें। फिर एक चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट में से फिर चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट में से ऐसे, फिर एक चैन लेनी है, फिर यहाँ से देखिए इसी तरीके से हम यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेते हैं ऐसे बनाते हुए। जैसा हमने इधर से बनाया ऐसे हम इधर से बनाएंगे और नेक पे हम ऐसे बनाएंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हम यहाँ से इसको ऐसे जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। फिर देखिए जहाँ से हमने इसको शुरू किया था वहाँ से भी एक बार बनाएंगे और देखिए यहाँ से हमें धागे को कट कर देना है इस तरीके से। धागे को इसके अंदर ही एडजस्ट करेंगे। देखिए देखिए फ्रेंड ड्रेस बनके हमारी रेडी हो गई इस तरीके से। अब देखिए अब हम डोरी बनाएंगे। डोरी बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का धागा लिया है। पहले क्या करना है हमें, हमें इस तरीके से नोट लगाने हैं और हम चैन बनाएंगे। चैन हमें जितनी लंबी डोरी बनानी है उतने हम चैन बना लेंगे। देखिए इस तरीके से ऐसे। देखिए फ्रेंड्स डोरी हमने कुछ इतनी लंबी बनाई है। अब देखिए डोरी में हमें इस तरीके से लीफ बनानी है। दोनों तरफ से एक एक लीफ बनाएंगे हम। वो कैसे बनाएंगे वो देखना है आपको। देखिए हमने यहाँ पे येलो कलर का धागा ले लिया है और देखिए यहाँ पे हमें वन टू टू चैन को स्किप करना है और थर्ड चैन में से देखिए यहाँ से इस तरीके से
धागे को जॉइंट करेंगे ऐसे। और देखिए फिर हमें 1 2 3 4 5 5 चैन लेना है। 5 चैन लेने के बाद देखिए फिर हमें इसी चैन में से इस तरीके से इसको जॉइंट कर लेना है ऐसे ऐसे जॉइंट कर लेंगे। देखिए फिर हमें यहाँ पे 1 चैन बनानी है और इसको ऐसे टर्न कर लेंगे, ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। और देखिए इसी होल में से हमें यहाँ से ऐसे 1 2 3 4 ऐसे देखिए हम इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें हमने 5 बनाए थे, 1 2 2 चैन बनाएंगे। और देखिए एक चैन और बना लेंगे, 3 चैन बनाएंगे और इसको यहाँ से ऐसे जॉइंट कर लेना है। फिर हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और देखिए ऐसे 4 इस तरीके से। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको यहाँ से ऐसे जॉइंट कर लेना है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ से हमें ग्रीन कलर को जॉइंट करना है। देखिए यहाँ से हम ग्रीन कलर को जॉइंट करेंगे इस तरीके से ऐसे, एक बार इसमें से निकालेंगे ऐसे। और देखिए फिर हमें इसको यहाँ से इस चैन में से ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर देखिए हम एक चैन लेंगे, अब जितने भी हमारे डबल क्रोशिया है सभी डबल क्रोशिया के सेंटर में से हमें बनाना है ऐसे। फिर एक चैन लिया हमने, फिर नेक्स्ट में से फिर एक चैन बनाई, फिर नेक्स्ट में से फिर देखिए 1 और 2 2 चैन बनाई। यहाँ पे सेंटर में से बीच में से लेंगे, फिर 1 और 2 2 चैन बनाई। फिर हम इसमें से लेंगे इस तरीके से, देखिए लिप का शेप देंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर यहाँ से लेंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के सेंटर में से लेंगे, फिर एक चैन बना के फिर लेंगे ऐसे ही जैसे हमने ड्रेस में बनाया है, इसी तरीके से हम इसे भी बनाएंगे। देखिए ऐसे फिर एक चैन लेंगे, फिर हम यहाँ पे सेंटर में आ जाएंगे इस तरीके से। एक बार और हम पक्का कर लेंगे इसको, 1 और 2 2 चैन बना के धागे को यहाँ से हमें कट कर देना है। देखिए इस धागे को भी हम यहाँ पे कट कर देंगे इस तरीके से और इनकी नोट लगा देंगे। ऐसे और एक साइड में हमें इनको ऐसे अंदर की तरफ एडजस्ट कर देना है। एक्स्ट्रा धागे को हम यहाँ पे कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से लीफ बना लेंगे हम। और देखिए इसमें भी हमें इधर भी ऐसे ही लीफ बना के तैयार कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स डोरी बना के हमने रेडी कर ली है, दूसरी तरफ भी हमने लीफ बना दी है इस तरीके से। और देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी की कितनी सुंदर सी और प्यारी सी ड्रेस बन के रेडी हुई है फ्रेंड्स। और कितने आसान तरीके से। थैंक यू।